फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिड़वाड़ा। अब आप लोगों को लग रहा है हम चिड़वाड़ा में अभी तक क्या कर रहे हैं, हमको तो सिक्कर होना चाहिए, पर क्या बताएं हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। ब्रेन सर की बाइक ने बहुत धोखा दिया हमें। आखिर में हमने सूरज शहर में दिखाया तो सूरज में भी ठीक नहीं हो पाई। मैकेनिक बोला भाई हमारे बस की तो है नहीं है, अब चिड़ावा जाओ, वहीं पे रॉयल इनफील्ड का शोरूम है तो वहीं पे। बट हम आते आते रात हो गई थी, शोरूम बंद हो गया। देन उसके बाद हमें एक मैकेनिक का नंबर मिला विपुल जी का। विपुल जी ने थोड़ी नौटंकी दिखाई, वो कह रहे भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊँगा, शॉप बंद थी उनकी। तो उनके एक भाई थे एस के एंड सन, तो उनके पास गए हम। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके स्टार्ट करने की कोशिश की, पर उसका फिर बाद में चला फ्यूल इंजेक्टर ही उसका ख़राब है। फिर हमने वीरेंद्र सर ने जुगाड़ निकाला रॉयल इनफील्ड से, उसका मैकेनिक आया, उसने चेक किया, बोला भाई अब ये तो सुबह ही हो पाएगी, फ्यूल इंजेक्टर आपको कब मिलेगा? अभी तो मिल नहीं सकता क्योंकि शोरूम बंद हो गया है और वर्कशॉप के वो जो ओनर है जो वर्कशॉप देखते हैं पार्ट देखते हैं वो है नहीं यहाँ पे, वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो आपको तो ये पॉसिबल है नहीं इस टाइम। तो हमने डिसाइड यही किया चिड़ावा में स्टे करते हैं आज, फिर उसके बाद कल बाइक ठीक करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे अपनी डेस्टिनेशन जाते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी तक का यही अपडेट है, अब जाते हैं मैकेनिक शॉप पे, बाइक की हालत देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आपको मिलते हैं आगे। हम्मा गड़ी गाइस, तो फाइनली हमारी बाइक रिपेयर हो गई है। ये कपिल जी हैं एसके एंड सन्स ऑटोमोबाइल्स के ओनर, जिन्होंने हमारी बाइक फाइनली रिपेयर कर दी है, और बाकी जो फॉल्ट था बाइक में ये बताएंगे। अब बताइए। एक्चुअली गाड़ी के अंदर पहले दिन की बंद पड़ गई थी, एक्सीलेटर नहीं मार रही थी, उसके बाद में हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर सेंसर आता है, मेन सेंसर जो होता है फ्यूल का, हाँ उसको निकाला हमने, उसको चेक किया तो वो पूरा ब्लॉक हो रहा था, उसको निकाल करके पूरा सफाई करके क्लीन करके गाड़ी के अंदर हमने डाला और गाड़ी को ठीक हो गई। उसके बाद में हमने टैंक चेक किया इसका, तो टैंक के अंदर पानी मिला, तो टैंक को निकाला और पानी निकाला उसका, पूरा पेट्रोल निकाल कर और फिर हमने इसमें पेट्रोल नया डाल दिया, इसको गाड़ी को एकदम ओके कर दिया है, और भाई जनों की गाड़ी इन्होंने चेक करी है चला करके इसकी टेस्ट राइड। बाकी बाइक बहुत अब मस्त चल रही है, अब हम सीधा दिल्ली। हमें दो बातें मैं भी ऐड कर लूँ, जब भी आप सोच रहे हैं चिड़ावा यहाँ पर बीट एसके सन्स कपिल भाई, बिकॉज द टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज द हॉस्पिटैलिटी विच इज प्रोवाइडेड टू अस, डिस्पाइट ऑफ यू नो हमने इनको बहुत परेशान किया कल से, लेकिन और आप दाम सुन के काफी लेंगे वो मक्के डिस्कशन बॉक्स में लिख देंगे, वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, बट यू कम हियर एंड वेरी रिलायबल एंड वेरी फाइनेस्ट पर्सन, वी डिस्टर्ब हिम सिंस यस्टरडे। अरे एक और बात बताता हूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है एसके एंड संत ऑटोमोबाइल्स के नाम से, आप विजिट करिए, ये ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग बाइक रिपेयरिंग रिगार्डिंग और वीडियो डालते हैं, इनकी वीडियो देखो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो आप उनसे काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो, इन फ्यूचर आपको काम भी आ सकता है। तो चलो अब हम आगे मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम सिक्कर चलते हैं। चलो अम्मा गड़ी। सो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खुशी होटल था यहाँ पे, उसमें ब्रेकफास्ट किया, वहीं पे हम कल रुके भी थे, तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सिक्कर के बाद निकल गए हैं, और सिक्कर का डिस्टेंस यहाँ से 95 किलोमीटर है चिड़वाड़ा से। गूगल आंटी कुछ दिखा रही है यहाँ से 3 आवर्स के आसपास यहाँ से चिड़वाड़ा से सिक्कर, पर रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है हम कितनी देर पे वो डिस्टेंस कवर करते हैं, और वो हमें खाली सा हाईवे मिल गया, वो हाईवे कितनी दूर तक अच्छा है वो हमारा साथ देता है वो देखते हैं, और इसके बाद आपको आगे का रास्ते के बारे में अपडेट करते रहेंगे। ये बस वाला बहुत ही हाई चला रहा है, उड़ाता हुआ जा रहा है, धूल उड़ा दी पूरी इसने, ट्रक वाले की रामबंदी देखो कहीं से भी काट दे रहा है, और हमारी ऐसी तैसी बजा दे रहा है, कभी इंडिकेटर इधर दे रहा है कभी उधर दे रहा है, दुखी कर रखा है इसने। सो गाइस हाईवे का साथ हमारा बस 3 किलोमीटर का ही था, उसके बाद एक रोड जा रही है पतली सी वन वे, वन वे के एक ही रोड है जिसमें जैसे भी गाड़ी आ रही है जैसे भी जा रही है,
तो अभी ये रोड कहाँ तक जाती है पता नहीं। इसमें यहाँ के लोग ऐसे रश ड्राइविंग कर रहे हैं ना, कट मारे सट सट सट, और आपकी बात बगल में से निकालेंगे कतई चिपकाते हुए। सो गाइस, हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप में अपनी बाइकों में टॉप अप करवाया है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही महंगा है, 109 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। इतने भैया ने हमारा पेट्रोल भरा है। तो ये झुंझुनू है ना, झुंझुनू बग्गर, ठीक है। मेरा राजस्थान गवर्नमेंट से आग्रह है, कृपया इस रोड को बताइए और हमें राइड करने के लायक कम से कम बनाइए। इतनी धूल खा रहे हम, पूरी राइडिंग जैकेट मेरी खराब हो गई है, पूरा ऐसा लग रहा है मिट्टी में नहा हुआ हूँ मैं। पाउडर सुबह नहाया था पर मैंने पाउडर नहीं लगाया था, सो पाउडर मिल रहा है, नेचुरल पाउडर हमें। ये देखो धूल उड़ाते हुए पाउडर पाउडर पाउडर, पूरा पाउडर लगा दिया उसने पूरे शरीर में। अब ये पता नहीं गूगल आंटी पर कहाँ कहाँ से ले जा रही है पाउडर में झुलाते हुए। सो गाइस, पटनावा पहुँच गए हम, मंडावा शहर सामने है, थाना इधर है राइट हैंड साइड में। मंडावा की गलियों से M2 ट्रैवलर्स की बाइक जाते हुए, मेरी बम्बल भी अब तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है और आगे भी करती रहेगी। हवेली के अंदर से रोड निकाल दी गई है। आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, मंडावा सिटी में बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो रखी है। बजरंगी भाईजान आप लोगों ने तो देख रखी होगी, बजरंगी भाईजान, PK, इन सब की सारी मूवियों की शूटिंग यहीं पे हो रखी है। जो बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान दिखाया, मस्जिद दिखाई है, यहीं पे हुई थी उनकी शूटिंग। तो बहुत सारी मूवियों में मंडावा शहर को यूज़ किया गया है शूटिंग स्पॉट। पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ पे ज़्यादा दिखाते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में। ये पूरा एरिया मुगल कल्चर से इंस्पायर है, तो इसलिए बॉलीवुड मूवीज़ में इन ज़्यादातर पाकिस्तानी कल्चर को दिखाने के लिए मंडावा सिटी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक 5-स्टार होटल है जो कि एक किला है, फोर्ट है, फोर्ट के अंदर ही 5-स्टार होटल बना रखा है। और कोई भी शूटिंग होती है तो सारे बॉलीवुड स्टार वहीं पर स्टे करते हैं। अभी हम तो यहाँ रुकने रहे हैं, इन फ्यूचर ये लौट तो हम यहाँ रुके तो आपको कुछ हवेलियाँ और इसके मंडावा शहर के कल्चर के बारे में आप लोगों को जरूर बताते और बताएंगे। ये कैसी कैसी गलियां हैं, कहां कहां से निकल रहे हैं हम लोग। बस अभी तक का अपडेट ये है, दिनारपुरा हम पहुंचने वाले हैं, यहां से 7 या 8 किलोमीटर रह गया है सिर्फ। आज का स्टे दिनारपुरा ही रहेगा और बाबूलाल की सिस्टर की शादी इंजॉय की करी जाएगी। कल बाबूलाल की शादी है, वो इंजॉय की जाएगी। उसके बाद कहाँ जाना वो कल डिसाइड करते हैं। जयपुर जाएंगे या बीकानेर जाएंगे या आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे।